हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2024। ये एग्जाम हुआ था 21 जुलाई 2024 को। टोटल 32 पोस्ट के लिए हुई थी ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स मेन एग्जामिनेशन पेपर डिस्कशन, हम देखेंगे कि आपको अगर किसी भी चीज की, चाहे फिर वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे फिर वो कोई कंटेंट हो, चाहे फिर वो थ्योरी कंटेंट हो, कुछ भी चीज चाहिए तो आप जाके जीडीसी क्लासेस ऐप को विजिट करिए। जीडीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको पहले जाना है प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहां पे डालिए जीडीसी क्लासेस एंड वहां पे आपको ये लोगो दिख जाएगा। ये लोगो को आपको करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद यू विल गेट एक्सेस टू दिस जीडीसी क्लासेस, जहाँ पे आपके हर तरीके का कंटेंट मटेरियल, टेस्ट सीरीज, फ्री डेली क्विजेस, जैसे कि फ्री डेली क्विजेस है, वीकली क्विजेस है, डाइजेस्टर्स है, ई नोट्स है, फ्लैश नोट्स है एंड स्टडी मटेरियल सारा अवेलेबल है आपके प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए और आपकी वो इच्छा पूरी करने के लिए जो आप चाहते हैं कि वो मेरिट लिस्ट में कहीं आपका नाम हो। ठीक है। सो अगर आपको ये प्ले स्टोर से डायरेक्टली जाके सर्च करने में तकलीफ हो रही है तो आप जाके ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक देखिए, वहां पे आपको यहाँ पे इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको इंस्टॉल करना है देन जाके। एंड देन ये भी चीज आपसे नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं एंड स्कैन करने के बाद आप डायरेक्टली वो पर्टिकुलर इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे जीडीसी क्लासेस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। ओके। सो लास्ट टाइम हमने देखा था नॉन फार्मा में टोटल 40 क्वेश्चन और आज हम देखने वाले नॉन फार्मा में 41 to 50 क्वेश्चन देखेंगे एंड देन फार्मा में पूरा फार्मा पार्ट आज खत्म हो जाएगा। टोटल 300 क्वेश्चन एंड देन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें टोटली नॉन फार्मा पार्ट होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना जो कि पार्ट 6 होगा। अभी पार्ट 5 में हम 10 नॉन फार्मा देख रहे हैं एंड 40 फार्मा के क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब से ये जो नॉन फार्मा पार्ट है इसमें पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग अजर्शंस इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट वन इज ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाई पीपल। नाउ ये जो थर्ड है रिपब्लिक बोलते हैं ना, रिपब्लिकन स्टेट। सो रिपब्लिक का मतलब जो होता है ये थर्ड स्टेटमेंट बताता है। ठीक है। एंड डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज वॉट बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, मेड बाय द पीपल फॉर द पीपल। सो उसी हिसाब से ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, ये दर्शाता है इक्वालिटी को। ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट डेमोक्रेसी में हम देखते हैं। और डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यस, बायस्ड इलेक्शन होगा तो क्या वो आपके पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर पाएगा? बायस्ड होगा तो बायस्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा, अनबायस्ड होगा तो अनबायस्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा। और अनबायस्डनेस लाने के लिए इलेक्टोरल सिस्टम में वी वांट दिस फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नेक्स्ट इज फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। जैसे कि पता है डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी होने की वजह से हमारे पास पावर रहती है, पीपल के पास पावर रहती है कि अगर उसको कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना पसंद नहीं आ रहा हो तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो उसको वोट ना करके किसी और रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप रिसेंट इलेक्शन को भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता चलता है कि किसकी कितनी सीट चाहिए, किसकी कितनी नहीं है, तो बेस्ड ऑन वो पब्लिक का विल होता है। पब्लिक जिसको चाहती है उसको ला सकती है, उसको कहते हैं रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। एंड डेमोक्रेसी इसी पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है। सो इन्हीं तीनों प्रिंसिपल के बेस्ड पे होता है हमारा डेमोक्रेसी, जो कि पॉलिटिकल इक्वालिटी के बेस पे होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो इक्वालिटी होगी, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है तो एक वोट को वन वैल्यू है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता तो क्या एक वोट को वो ऐसे ही करके 10 वोट दिलवा सकते थे एक ही इंसान से? तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, क्या वो फिर वन वैल्यू का वोट होता? नहीं होता। सो इसलिए ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी। एंड मैं बता दूं आपको आंसर की, मैं शायद तक ये आंसर जो है मे बी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये गलत दिया हुआ है, लेकिन द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 42, वॉट डज क्वेश्चन नंबर 42 सेज? इन विच कंट्रीज इलेक्टोरल सिस्टम डज द इंडिजीनियस पीपल्स वोट हैव मोर वैल्यू देन दैट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो ऐसी कौन से कंट्री के इलेक्टोरल सिस्टम में जो इंडिजीनियस पीपल होते हैं
इंडिजिनस मतलब वो कंट्री के बेसिक पीपल जो उस कंट्री में रहते हैं, उनका वोट जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इंडियन सिटीजन जो उस कंट्री में रहते हैं। तो ऐसा कौन सा सिस्टम होता है? द ऑप्शंस आर श्रीलंका, फिजी, मालदीव्स एंड म्यांमार। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज फिजी इज द करेक्ट आंसर। फिजी जो है वो एथनिक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पास्ट में चलाता आया है, जिसमें उनके एथनिक इन द सेंस वहाँ के जो लोग स्थित है वहाँ पे, उनको जो वैल्यू रहता है उनके वोट्स का वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दोज हु आर माइग्रेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो एथनिक रिप्रेजेंटेटिव का सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम फिजी में ज्यादा है। एंड श्रीलंका इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम, एंड मालदीव्स ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे है, एंड म्यांमार अगेन मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम। सो ये हमने देखा कि इन विच कंट्री द इलेक्टोरल सिस्टम जहाँ पे इंडिजिनियस पीपल का वोट ज्यादा रहता है, इट इज फिजी। देर आता है क्वेश्चन नंबर 43, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। व्हाट इट सेज दैट विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। सो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी 1885 में बनी हुई है, ठीक है, एंड उसके बाद जो डिफरेंट सेशन, डिफरेंट मीटिंग हुई है इंडियन इंडिपेंडेंस की, उसकी कुछ मीटिंग्स जो है वो इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जैसे कि लाहौर सेशन एक इम्पोर्टेंट है, कानपुर सेशन एक इम्पोर्टेंट है, देन इसी तरह से फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, लास्ट मीटिंग कब हुई थी, ये सारी चीजें ना हमको याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरह से ऐसा माना जा रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री को भी बहुत सारा पर्टिकुलर वेटेज दिया गया है, ठीक है, इस पेपर में। सो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि इन्होंने बताया कि एक ऐसी मीटिंग हुई थी जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन हुआ था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये सारी जो चीजें हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी जो चीजें किस तरह से बेसिकली हमने देखा, हमको हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, राइट, एंड हम हमारे पास वो पावर नहीं थी कि हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। तो इफ अगर हमको इंडिपेंडेंस मिलता है तो वहाँ के जो लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब ये सेशन हो रहे थे बिफोर इंडिपेंडेंस, तब वो सोच रहे थे कि अगर हमको इंडिपेंडेंस मिलता है, अगर हमको वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर मिलती है, तो हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाएंगे। सो तभी एक सेशन हुआ था जिसमें ये डिस्कस हुआ था हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। सो द ऑप्शंस आर द नागपुर सेशन ऑफ 1920, द कानपुर सेशन ऑफ 1925, द कराची सेशन ऑफ 1931 एंड द बॉम्बे सेशन ऑफ 1934। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज द कानपुर सेशन ऑफ, सॉरी ऑप्शन सी, के कैसे मेरा गड़बड़ हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जो कराची सेशन हुआ था 1931 का, इस टाइम पे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से लगना चाहिए ये सब चीजें डिस्कस हुई थी, ठीक है। बाकी के इम्पोर्टेंट कुछ सेशन है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, आप जाके रेफर कर सकते हैं। मैं आपको एक बुक बता देती हूँ, मॉडर्न, ये बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट रेफर करते हैं, बट इफ यू वॉन्ट टू सी सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो मॉडर्न इंडिया बुक आती है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम नाम है उस बुक का। सो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर वहां से आपको उठाने, तो यू कैन रेफर दिस। फॉर पॉलिटी आई वुड सजेस्ट आप जाके लक्ष्मीकांत बुक देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सोर्सेस रेफर करने हैं तो ये दो सोर्स मैंने मॉडर्न इंडिया एंड पॉलिटी का बताया है। इसके अलावा आपको कोई सोर्सेस चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 सेज दैट बिसाइड सी राजगोपालाचारी हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। ना स्वतंत्र पार्टी बनी थी उसमें से सी राजगोपालाचारी और एक और थे जो फाउंडर थे इस पार्टी के। ये अगेन मॉडर्न हिस्ट्री की जो मैंने स्पेक्ट्रम बुक बताई है वहां पे सारा चीजें दिया हुआ है। सो जस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो क्रक्स होते हैं, कौन से सेशंस थे, प्रेसिडेंट्स कौन कौन रहे हैं उस सेशंस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, देन सुभाष चंद्र बोस के डिफरेंट पार्टीज थे, देन वो कौन से पार्टी बनाई थी, महात्मा गांधी के कौन से सत्याग्रह थे, सब कुछ मतलब एक जस्ट लेना होना, एक जस्ट। तो वहाँ की जो स्पेक्ट्रम है इसकी समरी पोर्शन आते हैं, मतलब हर चैप्टर के पीछे समरी दी गई, आप जस्ट वो समरी भी पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एंड इट्स लाइक बेस्ड ऑन माई कोर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, एंड आपको ये शायद कोई नहीं बताएगा इस फार्मा फील्ड में, एंड मैं ये आपको ये बता रही हूँ कि प्लीज जाके ये मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम बुक देखे और उसकी समरी जो है उसको आप कर लीजिए। एंड काइंड ऑफ सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपके प्रिपरेशन का, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहे तो करिए, नहीं तो आपके पास रखना चाहे तो रख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि बिसाइड सी राजगोपालाचार्य कौन था जो स्वतंत्र पार्टी का फाउंडर था। सो द ऑप्शंस आर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जिसको हम के एम मुंशी कहते हैं, आपको कन्हैयालाल
कहीं भी बुक देखोगे तो उसको उनको इन्हीं नाम से डिनोट किया जाता है। देन आता है मीनू मसानी, एनजी रंगा एंड दर्शन सिंह फेरुमान। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इट इज के एम मुंशी जी। सो सी राजगोपालाचारी और के एम मुंशी जी दोनों ने मिला के ये स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 विच सेज दैट मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें बोला गया है मोतीलाल नेहरू, दैट इज जवाहरलाल नेहरू के फादर। सो मोतीलाल नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरोजिनी नायडू। आपको राजेंद्र प्रसाद तो पता ही होगा कौन थे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सी वन ढूंढो, सी वन ये रहा एंड बाकी में सी वन है नहीं, तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मिल जाता है। सो ए फोर दैट इज मोतीलाल नेहरू कौन थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था 1928 में, जब उनको चैलेंज मिला था लाइक हमारे इंडियन लीडर्स को चैलेंज मिला था फ्रॉम दी फॉरेन हेड, ब्रिटेन हेड से मिला था कि इंडियंस कभी कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते। तो उनको चैलेंज करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने जी ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था 1928 में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, देन आता है बी थ्री दैट इज बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड देन सरोजिनी नायडू वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन मैच कॉलम है, जहाँ पे आपको गाइडिंग वैल्यूज ऑफ ये गाइडिंग वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज है एंड उनके मीनिंग्स पूछे गए हैं। ठीक है, सो अगर आप पॉलिटी में अच्छे हो तो आपके लिए ये इजी क्वेश्चन रहा होगा। सो आपके लिए पूछा गया है सोवरेन का मतलब क्या है, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी एंड सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या है, आपको पता है रिलीजन से रिलेटेड कोई टर्म होगा। सो यहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड एक ही टर्म आपको दिख रहा होगा, दैट इज डी वन, द गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन। सो डी का वन है, सो डी वन किस में दिया गया, ए और सी में। नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे, सी को देख सकते, सी इज फोर या सी इज टू। फ्रेटर्निटी मतलब भाई बहन की तरह रिश्ता रखना। सो इट इज पीपल शुड हैव लाइक शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर, इसको कहते हैं फ्रेटर्निटी। सो सी फोर हो गया, तो सी फोर होने से जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ए टू दैट इज सोवरेन का मतलब क्या होता है कि हम खुद से, ए टू दैट इज पीपल विल हैव द सुप्रीम पावर और राइट टू हैव अ डिसीजन, मतलब पीपल जो है वो डिसीजन बनाएंगे। एंड बी थ्री का मतलब जो होता है वो है हेड ऑफ द स्टेट इज द इलेक्टेड पर्सन, हम लोग इलेक्ट करते हैं किसी पर्सन को। जैसे कि पीपल जो है, पहले सोवरेनिटी आने से क्या होगा, पीपल जो है उनके पास वोटिंग राइट आएगी, वोटिंग राइट आने के बाद वो खुद के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए काम करेगा, इस तरह से वो सिस्टम होता है। गॉट इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47 विच सेज दैट विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, महात्मा गांधीज आइडिया विजन एंड फिलोसॉफी वर फॉलोड बाय मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर सेकंड है, बेसिक सिंपल स्टेटमेंट है, येस क्यों नहीं की जाएगी, महात्मा गांधी वॉज अ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी एट दैट टाइम, इवन टूडे महात्मा गांधी इज अ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। सो उस टाइम पे ऑब्वियसली किसी ना किसी मेंबर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके किसी ना किसी मेंबर पे उनका असर तो रहा ही होगा। सो जो स्टेटमेंट टू है वो बिना बेझिझक आपको स्टेटमेंट टू करेक्ट करना था। ठीक है, सो स्टेटमेंट टू करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन डी एलिमिनेटेड, ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। अब आपको चूज करना है बोथ वन एंड टू आर करेक्ट या ओनली टू इज करेक्ट। नाउ आपको पूछा है महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, येस महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। महात्मा गांधी जो थे जब इंडिपेंडेंस के टाइम आने लगा था, वैसे उन्होंने थोड़ा बैक स्टेप लेने के स्टार्ट कर लिए थे, मतलब ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे उस चीज में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस एंड ऑल। ठीक है, इसके वजह से महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, येस इट इज करेक्ट, एंड महात्मा गांधी के आइडिया से मेनी पीपल्स वर एनकरेज्ड। सो ऑप्शन स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, दैट्स वाई स्टेट दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज बोथ वन एंड टू इज करेक्ट। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48 विच सेज दैट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। स्टेटमेंट टू सेज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन वॉट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन एंड द गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेसपास देम। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक अगर आपको आइडिया भी हो तो येस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रिंसिपल्स हमको देता है जिसके बेसिस पे हम हमारा आज का गवर्नमेंट रन करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन इसको आप जैसे देखते होगे, जब भी रिसेंटली एक
रिसेंटली लाइक कुछ महीनों की बात है, जब पीएम प्राइम मिनिस्टर हैज बो डाउन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने वीडियो देखी होगी शायद। सो कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट इज कोर, बिकॉज इसी से हमको सारे बेसिक रूल्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या कुछ नहीं, कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, क्या इन केस देर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू, व्हाट शुड बी वी फॉलो, सब कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमारा कंट्री आज रन हो रहा है। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड बोलता है द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट। यस, अगर वो पावर आपको दे रहा है तो वो आपके पावर पे लिमिट करने की भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। ठीक है, सो पावर लिमिट करने की पावर है, जैसे कि फंडामेंटल राइट जो होती है वो फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल को मिलती है कि मेरा राइट कोई छीन ना सके मुझसे, वो फंडामेंटल राइट्स आपके पास है। आपको आपके पास होता है राइट टू लाइफ, आपके राइट टू लाइफ होता है, राइट टू इक्वालिटी होता है, इस तरह से डिफरेंट राइट है। वो एक गवर्नमेंट पे इम्पोज करती है पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन कि आप एक इंडिविजुअल का ये राइट छीन नहीं सकते, भले ही आप कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन इसके खिलाफ बना लो। सो कुछ कुछ राइट है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो होती है, ये बेसिक मेरे नॉलेज से बता, फंडामेंटल राइट जो होती है इनको अगर आपको अमेंड करना है, चेंज करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है। इसीलिए बोला है जो फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिमिट सेट करता है। फंडामेंटल राइट एक लिमिट सेट करता है स्टेट पे, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे, ताकि वो अननेसेसरी पावर या ऑटोक्रेसी की तरफ मूव ना करे। ठीक है, ऑटोक्रेसी मतलब डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेटरशिप से मूव ना करे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन वो पावर सेट लिमिट भी सेट करता है और पावर भी खुद देता है। ठीक है, तो ये एक यूनिक वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, मे भी पूछा जाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसको एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ऐसा क्यों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कितने सोर्सेस से हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव किया है, ये आपको ढूंढना है। ये आपको अगेन लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को कितने सोर्सेस से हमने डिराइव किया है ये आपको ढूंढना है। अगर आप ढूंढना चाहे तो बेसिकली पूछा, आई डोंट नो पूछा जा सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, सो उस हिसाब से द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज दी लिमिट, मतलब हमारा सब कुछ बेस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होता है। हमारी जो गवर्नमेंट की, ये जो बोलते हैं ना, ये जो बिल्डअप हुआ है हमारे गवर्नमेंट सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जो भी सिस्टम है, ये सब इसका बेस जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देन इस क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आई सेड ना सोर्सेस, सो इसी सोर्सेस में से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ सोर्स लिया है ताकि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव करें। हमने ब्रिटिशर्स से लिया, हमने अमेरिकन सिस्टम से लिया, हमने जर्मन सिस्टम से लिया, साउथ अफ्रीकन सिस्टम से लिया, फ्रेंच सिस्टम से लिया है, देन उसके अलावा जर्मन हो गया, साउथ अफ्रीका, फ्रेंच हो गया, इसी सारे सिस्टम से, इसराइल से भी हमने सिस्टम्स लिए है। सो आपको ये सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट हमने कौन से जगह से लिया, इस तरह से होता है। सो आपको पूछा है कि हमने ब्रिटिश नॉट ब्रिट ये जो चार क्वेश्चन दिए उसमें से एक चीज ऐसी है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ली है, वो किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। सो द ऑप्शन आर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज और हर रोल, एंड प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, अभी ब्रिटिशर्स के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे, यस वो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे रूल कर रहे थे, क्योंकि उनके टाइम पे वही यूके में वही सिस्टम चल रहा था, पार्लियामेंटरी फॉर्म। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि ये ब्रिटिश इसमें आता है, तो ये नॉट करेक्ट ऑप्शन में से ये हमारा ऑप्शन नहीं होता। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, यस ये भी हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव है। देन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज और हर रोल, अगेन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव नहीं है, क्योंकि अगर उस जमाने में वो लोग इतना ही इक्वालिटी पे बिलीव करते तो इंडियंस का उतना ही रिप्रेजेंटेटिव होता उनके गवर्नमेंट में। वो लोग क्यों ऐसा कर रहे थे कि यूरोपियंस को या उनके जो उनके पीपल को ज्यादा फेवर करना एंड इंडियंस को उतना फेवर नहीं करना, क्यों ऐसा किया जाता था अगर इक्वालिटी होती तो? इस तरह से भी आप सोच के इस आंसर पर डिराइव करते। सो ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव है, मतलब हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ये पर्टिकुलर वैल्यूज को अडॉप्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कितना टाइम लगा ये भी आप देख सकते हैं, कब बना, कब अडॉप्ट हुआ ये देख सकते हैं आप। ठीक है, एंड कब फोर्स में आए ये देख सकते हैं आप। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नॉन फार्मा पार्ट। विच स्टेटमेंट
क्वेश्चन 56, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री एंड द फंडामेंटल राइट कैन ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। मैं जब ऊपर का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेती, मैंने आपको कहा था कि यस, जो फंडामेंटल राइट है ये प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वो हमको राइट प्रोवाइड करता है कि हम हमारे राइट्स को बेसिकली स्टेट से बचा के रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे राइट्स है, हमारे राइट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। यस, सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। And the fundamental right can only be changed by amending the constitution. Yes, because fundamental right is a basic structure of the constitution, and basic structure ko change karne ke liye you have to change the constitution itself. So question statement 2 is all correct. So both statement 1 and statement 2 is correct. So आपने जिस तरह से देखा जो नॉन फार्मा पार्ट था, इसमें पॉलिटी भी देखा। सो मैं कहना चाहूंगी कि गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का ये जो पेपर था, इसमें नॉन फार्मा पार्ट भी बहुत डेप्थ में, बहुत ज्यादा डेप्थ में, जिस तरह से हम फार्मा पीपल पढ़ते उससे ज्यादा डेप्थ में पूछा गया था। हम नॉर्मली इतना पॉलिटी में नहीं घुसते, इतना मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं घुसते, हम बेसिकली जनरल स्टडीज को देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसके सिलेबस से वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए मैं ये कह रही हूँ, अगर सिलेबस में दिया था अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, द हिस्टोरिकल बेसिक पूछने वाले कि नहीं, देन तो इट इज लाइक इट इज जस्टिफाइबल कि इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, फिर भी ये बहुत इन डेप्थ पूछा गया है, करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं बहुत होल्स पेपर था, फ्रॉम ईजी टिल टफ। फार्मा पोर्शन तो ऑब्वियसली आपको ईजी भी लगा होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ भी थे जैसे आयुर्वेदा के देखा जाए तो, बट अगेन नॉन फार्मा पार्ट में दे हैव प्लेड इट वेरी वेल। इसमें जो जिन्होंने जो अच्छा स्कोर करेंगे ऑब्वियसली वो बेस्ड ऑन नॉन फार्मा पोर्शन ही डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ओवरऑल चीजों का नॉलेज होना भी जरूरी है। ठीक है, देन हम मूव करते हैं फार्मा पार्ट की तरफ। नाउ फार्मा पार्ट को आज हम पूरा खत्म कर लेंगे, हमने लास्ट में देखा था, यस हम लास्ट में 260 क्वेश्चन तक पहुंचे थे, इजंट इट? 260 क्वेश्चन हमने देखा था, अब आज हम 261 से लास्ट तक 40 क्वेश्चन देख लेंगे। 300 टोटल क्वेश्चन थे, हमने अब तक 50 क्वेश्चन देख लिए नॉन फार्मा के, एंड अब आज हम 300 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट, 300 यानी कि जो 200 क्वेश्चन है फार्मा के वो कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ नॉन फार्मा पार्ट ही मिलेगा, जिसमें कुछ मैथ्स है एंड अगेन कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन से टॉपिक से। नाउ क्वेश्चन नंबर 261 व्हिच सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग डिगॉक्सिंग। डिगॉक्सिंग के बारे में पूछा है, एंड आई थिंक डिगॉक्सिंग के बारे में ये सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्योंकि इसके आगे भी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था डिगॉक्सिंग से रिलेटेड ही। आई थिंक फर्स्ट पार्ट में वो डिगॉक्सिंग से रिलेटेड आपको वो क्वेश्चन मिलेगा। तो उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग डिगॉक्सिंग। ऑप्शन आर इट हैज अ वेगोमिमेटिक एक्शन, इट हैज अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन, इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड इट प्रॉम्प्टली कॉजेस डायूरेसिस इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट। सो इसका फर्स्ट इट इज हैविंग विगोमिमेटिक एक्शन, यस इट इज करेक्ट। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। सो ऑप्शन वन जहाँ पे नहीं है दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल गेट एलिमिनेटेड। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी गेट एलिमिनेटेड, एंड अभी आपको वन तो मिल गया, एंड नेक्स्ट आपको थ्री, या तो थ्री होगा या तो टू या फोर में से कोई एक हो जाएगा। सो आपको कैसे पता चलेगा, पहले हम थ्री देखते, इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, क्या ये करेक्ट है? नो, बिकॉज इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट। डिगॉक्सिन की यही तो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यही प्रॉपर्टी होने के लिए ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, इसलिए तो हम लोग इसको यूज करते, इज नॉट ट्रू। सो ऑप्शन सी गेट एलिमिनेटेड, एंड दस द ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज फर्स्ट इट एज अ वेगोमिमेटिक एक्शन, इट इज करेक्ट। इट इज अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन, यस इट इज करेक्ट, and it promptly causes diuresis in congestive heart failure patient, yet yes it is correct। then uske baad aapko classification se question pucha gaya hai, question number 262, isme jisme bola gaya hai tacrolimus is dash drug। aapne agar classification acche se kiya hoga to ye easy question tha, immunosuppressant, anti ulcer, anti diabetic ya anti hypertensive। so tacrolimus jo hota hai wo kya hai, kaun sa type of drug hai? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इट इज एन इम्यूनो सप्रेशन ड्रग। टैक्रोलिमस, एवरोलिमस, ये आपने ड्रग्स पढ़े होंगे, तो इट इज अम्यूनो सप्रेशन ड्रग जो हमारी इम्यूनिटी को लाइक ऑटो इम्यून डिजीज हो जाते हैं तो उसमें ये बहुत काम आते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है एंटी डायबिटिक्स, एंटी अल्सर एंड एंटी हाइपरटेंसिव में कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं, ठीक है, वो भी आप एक बार कर देना। देन आता है हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस से क्वेश्चन, जिसमें पूछा है 263 क्वेश्चन नंबर, चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज। फर्स्ट एडिशन हो गए, एडिशन कितने हैं अब तक वो पूछा जा सकता है। देन आपको ये भी पूछा जा सकता है लेटेस्ट एडिशन कौन सा है,
लेटेस्ट एडिशन कौन सा है आप मुझे बताइए, लेटेस्ट एडिशन कमेंट करके बताइए कि आइनियन फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन कौन से ईयर का है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, एंड हु वाज द चेयरमैन। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन जो इंडियन फार्माकोपिया का था वो कौन थे। सो ऑप्शन इज डॉक्टर बी एन घोष, डॉक्टर बी मुखर्जी, डॉक्टर नित्यानंद एंड मिस्टर प्रसन्ना टोटा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हैज वी ऑल नो दैट इज डॉक्टर बी एन मुखर्जी इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो थे उनके टाइम पे ये चेयरमैन थे। आप मुझे बताइए फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कौन से ईयर में आया, फर्स्ट एडिशन का ईयर कौन सा था, और लेटेस्ट एडिशन कौन से ईयर का है, और उनके जो चेयरमैन है वो कौन है। ये दो चीजें आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। बी एन मुखर्जी सेकेंड एडिशन के, ठीक है, सेकेंड एडिशन के चेयरमैन थे। ठीक है, सो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो कि कौन से ईयर में लेटेस्ट एडिशन है, कौन से चेयरमैन थे, एंड जो फर्स्ट एडिशन था वो कौन से ईयर का था, एंड बाकी के सारे एडिशन आपको करके रखने, मतलब आपको एटलीस्ट ईयर याद होना और उनके चेयरमैन याद होना जरूरी है। देन आता है अगेन आईपी इंडियन फार्माकोपिया का कमीशन है, द सप्लीमेंट टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1958, 1960, 1965 एंड 1968। सो आपको बताया बोला गया है कि जो फर्स्ट एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का वो कब कब पब्लिश हुआ, सप्लीमेंट बोला गया है, द फर्स्ट सप्लीमेंट टू द इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड इन विच ईयर। सो द करेक्ट आंसर इज 1960, 1960 में फर्स्ट सप्लीमेंट हुआ था। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था ये आपको अब मुझे बताना है, एंड उसके बाद जो फर्स्ट सप्लीमेंट हुआ था वो 1960 को आया था। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 265 विच सेज दैट विच पाउडर मस्ट बी स्टरलाइज बिफोर इट्स यूज्ड। ऑप्शन इज मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, नॉन मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, नेचुरल डस्टिंग पाउडर एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। एंड ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सर्जिकल ड्रेसिंग पाउडर ही ऐसा होता है जिसको हम स्टरलाइज सर्जिकल प्रोडक्ट है, सर्जिकल प्रोडक्ट हैज टू बी स्टरलाइज। ठीक है, इसके वजह से जो सर्जिकल ड्रेसिंग पाउडर होता है उसको स्टरलाइज कहते हैं। मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर को हम क्यों स्टरलाइज, जरूरी थोड़ी हम लोग एक्सटर्नली यूज कर रहे होंगे मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, जैसे कि इंटास्पोरिन होता है, नियोस्पोरिन होता है, जैसे आपके एग्जाम्पल आपको पता होंगे, ये सारे मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर जो होते हैं, सिप्लाडिन जैसे बोल सकते हैं, मेडिकेटेड होता है अगेन, तो इनको सर्जिकली स्टरलाइज होना जरूरी थोड़ी है, बिकॉज हम लोग इसको एक्सटर्नली यूज करते, जरूरी नहीं है कि वो हमारे इंटरनल चीज में कहीं काम आए। सो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो होता है, सर्जिकल प्रोडक्ट्स ऑलवेज हैज टू बी स्टरलाइज। देन आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 266 विच सेज दैट इनसफिलेशंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू व्हिच ऑफ दिस बॉडी कैविटी। इनसफिलेशंस जो होते हैं वो हम लोग कौन से बॉडी कैविटीज में डालते हैं, नोज, थ्रोट, ईयर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड यस वी नो दैट द ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स, बेसिकली ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड दैट्स व्हाई नोज के भी डालते हैं, थ्रोट एंड ईयर्स। सो ये सारे बॉडी कैविटीज यूज करते हैं, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 267 सेज एनिमास आर ऑल्सो कॉल्ड एज, एनिमास जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एलिक्सर्स, सस्पेंशन, इमल्शन या क्लाइस्ट्रिक। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, हम कैसे बता सकते हैं एलिक्सर जो था, एलिक्सर तो हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है, ठीक है, एंड सो ये हो नहीं सकता। बी सस्पेंशन और इमल्शन, अब देखा जाए तो एनिमास और सस्पेंशन और इमल्शन, एनिमास से आपको पता चल गया होगा कि हम एनिमास क्या होता है, इट इज अ लिक्विड प्रिपरेशन विच इज टू बी गिवन इंसर्टेड थ्रू रेक्टम टू क्लींज इन द बॉवेल। सो लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो कि बॉवेल क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, कोलोन क्लीनिंग या बॉवेल क्लीनिंग, ठीक है, एंड लिक्विड प्रिपरेशन होता है, सो इसको क्लास्ट्रिक भी बोला जाता है। एंड सस्पेंशन इमल्शन तो का हमारे डोसेज फॉर्म है वो हमको पता है कि हम लोग ओरली लेते हैं इन डोसेज फॉर्म को, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 267 इज ऑप्शन डी, क्लास्ट्रिक। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 268 व्हाट इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग इन बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट। चिल्ड्रंस और अडल्ट में ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो दोनों ही चिल्ड्रंस में एज वेल एज अडल्ट में अफेक्ट कर सकते हैं डोज ऑफ द ड्रग को, कि कितना डोज देना है, कितना ज्यादा देना है, कितना कम देना है, ये कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं। एंड आपके लिए स्टेटमेंट्स है ऑर्गन का फंक्शन, ड्रग का इंटरेक्शन, जेनेटिक फैक्टर एंड ऑल ऑफ द अबव। पहले आप चीज सोचिए कि ऑर्गन का फंक्शन यस, चाहे फिर वो अडल्ट हो चाहे फिर वो चाइल्ड हो, उनका अगर ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो अकॉर्डिंगली डोज एडजस्ट होगा, तो उस हिसाब से ऑर्गन का फंक्शन इज टू बी करेक्ट। नेक्स्ट ड्रग इंटरेक्शन, यस
अगर कोई ड्रग दे रहे हैं और उसका इंटरेक्शन होने वाला है, फिर वो चाहे फिर अडल्ट, वो ड्रग इंटरेक्शन जो होगा वो ड्रग पे डिपेंड करता है कि वो अडल्ट है चाइल्ड है, इस पे थोड़ी डिपेंड करेगा। तो चाइल्ड में भी वो चीज हो सकती है, अडल्ट में भी होगी। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। एंड जेनेटिक फैक्टर तो एज ऑलवेज हेरिडिटरी फैक्टर अफेक्ट करता है, ये किसी किसी को टॉलरेंस होता है किसी चीज से, किसी किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, सो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन जेनेटिक फैक्टर्स। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, दैट्स वाई ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, ऑल दिस फंक्शन हैज टू बी, इट विल चेंज और अफेक्ट द डोज ऑफ द ड्रग विच हैज टू बी गिवन इन चाइल्ड और विच हैज टू बी गिवन इन एडल्ट। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 269। क्वेश्चन नंबर 269 सेज दैट, ये पोसोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, अ 60 ईयर ओल्ड अडल्ट विथ बॉडी सर्फेस एरिया ऑफ 1.7 मीटर स्क्वायर नीड्स टू बी गिवन अ कीमोथेरेपी ड्रग दैट इज डोज्ड एट 150 mg/m² पर डे, व्हाट इज द टोटल डेली डोज ऑफ ड्रग फॉर दिस अडल्ट। ठीक है, आपको टोटल डेली डोज कितना इस अडल्ट को दिया जाता है जिसका 1.7 मीटर स्क्वायर का एक बॉडी सरफेस एरिया है एंड उसको 150 mg/m², मतलब 1 मीटर 150 mg/m² पर डे दिया जाता है, तो उसका डेली डोज कितने का होगा। बेसिक एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेट मी शो यू, आपके पास बॉडी सरफेस एरिया दिया गया है दैट इज 1.7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बॉडी सरफेस एरिया हो गया। देन उसके बाद आपको डोज दिया गया है, बॉडी सरफेस एरिया ये हो गया, डोज हो गया 150 150 mg/m² पर डे, ये हो गया डोज। देन उसके बाद आपको बोला गया है टोटल डेली डोज कितना होगा, तो मैं आपको लिए बता देती हूँ, टोटल डेली डोज पूछा गया है TDT। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर 150 mg दे रहे हैं हम लोग 1 मीटर स्क्वायर के लिए, क्योंकि आपको पर मीटर स्क्वायर बोला है, मतलब 150 mg 1 मीटर स्क्वायर के लिए दे रहे हैं, और हमको कितना ढूंढने बोला है 1.7 मीटर स्क्वायर के लिए कितना mg ड्रग लगेगा। तो x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.7 × 150 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 255 mg पर डे का जो है वो डोज जाएगा। ठीक है, 1.7 × 150 करोगे तो यू विल गेट 255 mg, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए एंड विल गेट द करेक्ट आंसर एज 255 mg। आपके लिए ऑप्शन थे 255 mg, 315 mg, 375, एंड सो द करेक्ट आंसर इज 255 mg। जस्ट आपको क्या करना है वो अगेन मैं बता देती हूँ, आपको ये एज टर्म से कोई लेना देना नहीं। बॉडी सरफेस एरिया मिल गया, मिल गया, ठीक है, ये मिल गया, मीटर स्क्वायर में दिया गया, ठीक है, यूनिट का भी कोई इशू नहीं, मीटर स्क्वायर में ही दिया गया और डोज को भी उसी हिसाब से बताया गया। एंड कीमोथेरेपी ड्रग जो है डोज दिया जा रहा है पर डे 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 150 mg दिया जाता है और हमको 1.7 मीटर स्क्वायर के हिसाब से देखना है, टोटल डेली डोज देखना है, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड विल गेट द आंसर एज 255 mg पर डे। आई होप दिस वॉज इजी क्वेश्चन। देन आता है क्वेश्चन नंबर 270 विच सेज दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड डोसेज फॉर्म इज यूज टू डिलीवर ड्रग टू रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए कौन सा डोसेज फॉर्म है, सिरप, एलिक्सर, लिनिमेंट एंड नेबुलाइज सोल्यूशन। सबसे पहले लिनिमेंट तो हमको पता है कि एक्सटर्नली अप्लाइड होता है, तो इसको क्या करते हैं हम, एलिमिनेटेड। अब आपके पास बचता है सिर्फ एलिक्सर एंड नेबुलाइज सोल्यूशन, तो नेबुलाइज सोल्यूशन जो होता है वो नॉर्मली रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपने नेबुलाइजर के बारे में सुना होगा, सो नेबुलाइजर इज वॉट, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू डोसेज फॉर्म देने के लिए यूज किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जैसे कि डिओलिन रेस्प्यूल्स आते हैं, बुडेकॉट रेस्प्यूल्स आते हैं, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है इन सब चीजों के बारे में, सो वी नो दैट नेबुलाइज सोल्यूशन जो है वो हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए देते हैं, सिरप एंड एलिक्सर इज नॉट द करेक्ट आंसर। आपने देखा कि ऑप्शन में एलिक्सर बहुत बार पूछे गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी दूसरे एग्जाम में एलिक्सर के बारे में एज सच पूछा जाए जिसमें एलिक्सर ही आंसर हो, तो एलिक्सर भी करके रखो आप। ठीक है, देन आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 271। क्वेश्चन नंबर 271 सेज कोकोआ बटर इज द फैट ऑब्टेन फ्रॉम, बायोलॉजिकल सोर्स से क्वेश्चन है, सो ऑप्शन है स्टेम ऑफ थियोब्रोमा कोका, रोस्टेड सीड ऑफ थियोब्रोमा कोका, रोस्टेड लीव्स ऑफ थियोब्रोमा कोका या रूट्स ऑफ थियोब्रोमा कोका। सो आपको पता है, हम सबको पता है जो कोकोआ बटर होता है वो रोस्टेड सीड सीड से मिलता है, किसके, थियोब्रोमा कोका के सीड से, जो भी रोस्टेड होता है उससे हमको कोकोआ बटर ऑप्टेन होता है। ठीक है, देन आपको पूछा गया है कंपैटिबिलिटीज के बारे में, इनकंपैटिबिलिटीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 272 सेज दैट डैश कंपैटिबिलिटी में बी करेक्टेड बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज करने के, कोई भी चीज का ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज करने से कौन सी कंपैटिबिलिटी को, इनकंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी को करेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन इज डिलेड टाइप, इमीडिएट टाइप, एडजस्टेड टाइप या टॉलरेटेड टाइप। सो थोड़ा सा सोचो,
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टॉलरेटेड टाइप की जो कंपैटिबिलिटी है उसको करेक्ट किया जाता है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इमीडिएट एडजस्टेड और डिलेड टाइप में ऐसी कोई चीजें होती है क्या, इनको अगर करेक्ट करना हो तो कोई प्रोविजन अवेलेबल है या नहीं है, और वो प्रोविजन क्या है, वो चीज क्या है। जैसे कि टॉलरेटेड के लिए हमको सिर्फ ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करना है तो हमको टॉलरेटेड कंपैटिबिलिटी मिल जाएगा। उसी तरह से डिलेड इमीडिएट, इमीडिएट डिलेड इमीडिएट और एडजस्टेड के लिए आपको मुझे कमेंट करना है, बताइए तीनों का अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन है, जैसे टॉलरेटेड के लिए ऐसा कोई अवेलेबल है क्या, इस तरह से हम उस इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं क्या, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर इज 273 विच सेज दैट क्रीमिंग ऑफ दी इमल्शन कैन नॉट बी करेक्टेड बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल, रिड्यूसिंग द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडिया, इंक्रीज विस्कोसिटी एंड रिड्यूसिंग विस्कोसिटी। नाउ आप देख सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट ऑप्शन है, अपोजिट ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आंसर होने की प्रोबेबिलिटी द हाइएस्ट। सो पहले तो बोला है कि जो क्रीमिंग होता है इमल्शन में, इमल्शन जो होता है हमारा जिसमें हम लोग ऑयल ग्लोब्यूल्स को डालते हैं, ठीक है, ये बेसिकली स्टेबल इमल्शन फॉर्म करता है। ऑयल्स एंड वाटर्स आर नेवर स्टेबल, वी आर एड इमल्सिफाइंग एजेंट टू स्टेबिलाइज दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो क्रीमिंग क्या होता है, यही ऑयल ग्लोब्यूल्स का ऊपर आना, फेस सेपरेशन का एक प्रोसेस हो जाता है। सो ये जो है ये करेक्ट नहीं किया जा सकता बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डिस्पर्स ग्लोबुल, यस अगर डिस्पर्स ग्लोबुल का साइज रिड्यूस करेंगे तो ये हो सकता है कि वो करेक्ट हो जाए, तो क्रीमिंग यहाँ पे कैनॉट बी करेक्टेड बोला है, तो इसे करेक्ट हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर, ठीक है। बट ऑप्शन ए इज करेक्ट टू करेक्ट दिस क्रीमिंग ऑफ इमल्शन। देन रिड्यूसिंग द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडिया, यस हम लोग डेंसिटी डिफरेंस कम करेंगे तो ये स्टेबल सोल्यूशन बन जाएगा। सो बी इज ऑल्सो नॉट द आंसर, ए इज ऑल्सो नॉट द आंसर, बिकॉज दोनों भी यूज किया जा सकता है टू करेक्ट द क्रीमिंग ऑफ इमल्शन। अभी आपको विस्कोसिटी के ऊपर है, अगर हम विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं या विस्कोसिटी को डिक्रीज करते हैं, आप सोचिए कि जब हम लोग विस्कोसिटी को डिक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होने की वजह से ये ग्लोबुल्स आराम से मूव अप हो जाएंगे एंड क्रीमिंग को बढ़ावा देंगे, ना कि कम करेंगे। जबकि विस्कोसिटी अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे सो विस्कोसिटी इंक्रीज होने की वजह से दैट ग्लोबुल्स जब उनको ऊपर जाना होगा तो दे हैव टू हैव मोर एनर्जी टू गेट अबव, सो इंक्रीजिंग विस्कोसिटी विल हेल्प टू प्रिवेंट द क्रीमिंग, वेयर एज रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी विल नॉट हेल्प टू इट विल एनहांस द क्रीमिंग, ठीक है, इट विल एनहांस क्रीमिंग। सो उसी हिसाब से रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी इज नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी इज इन्विटेशन फॉर द क्रीमिंग ऑफ इमल्शन, ठीक है। नन आता क्वेश्चन नंबर 274 विच सेज दैट अ टेम्परेचर एट विच टू कॉन्जुगेट सोल्यूशन मर्जेस इन टू वन अनदर टू फॉर्म वन लेयर इज कॉल्ड एज अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर, क्रिटिकल सेचुरेशन टेम्परेचर, डिस्टिलेशन टेम्परेचर या पार्टीशन टेम्परेचर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। अगर आपने कोई डायग्राम देखा होगा, ऐसा डायग्राम होता है जिसमें यहाँ पे इमिसिबल फेज होते हैं टू फेज, एंड ये पर्टिकुलर टेम्परेचर क्रॉस करते ही ऊपर का जो भी फेज बचता है दैट इज वन फेज, एंड ये मिसिबल हो जाता है, ठीक है। सो आपने ये देखा होगा जरूर से हमारे फिजिकल फार्मेसी के टॉपिक में से है कि अगर ये ग्राफ है और इस तरह का ये ग्राफ होता है जिसमें से ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है ना, ये टेम्परेचर तक ये हमेशा टू फेज में एक्जिस्ट करते हैं, एंड ये टेम्परेचर जैसे ही क्रॉस हो जाता है ये मर्ज हो जाते हैं इन टू वन सोल्यूशन। सो इसलिए इसको कहा जाता है अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको कहा जाता है अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। ना आता है क्वेश्चन नंबर 275 विच सेज दैट स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन इन ऑर्डर टू। अब स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इसमें जो है आंसर के हिसाब से आंसर कुछ है वो भी बताऊंगी, और मैं बताना चाहूंगी इसके बेसिक का पीछे का मतलब। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल हम लोग क्यों डालते हैं, ताकि सेडिमेंटेशन को हम लोग प्रिवेंट कर सके। ऑप्शन है प्रिवेंट सेडिमेंटेशन, डिक्रीज इंटरफेशियल टेंशन, प्रिवेंट केक फॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ दी अबव। सो आंसर की में ऑप्शन ए को दिया गया, दैट इज प्रिवेंट द सेडिमेंटेशन। सो प्राइमरी फंक्शन जो है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का, ऑब्वियसली हम लोग स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इसीलिए डालते हैं ताकि सेडिमेंटेशन ना हो पाए इन सस्पेंशन, ठीक है। और अगर हम लोग सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन हो तो भी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन जो होता है वो क्यों होता है, ताकि वो केक फॉर्मेशन को प्रिवेंट करे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट एज पर द आंसर की। लेकिन अगर हम लोग इन जनरल टर्म्स, ओवरऑल टर्म्स में देखा जाए सस्पेंशन को, तो ये तीनों भी ऑप्शंस करेक्ट है एज सच। लेकिन प्राइमरीली स्ट्रक्चर व्हीकल का जो काम होता है, प्राइमरी काम जो प्राइमरी मकसद से उसको जिसको डाला जाता है,
ये इसी मकसद से डाला जाता है कि वो सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करे, ठीक है। इसी वजह से ये आंसर को करेक्ट माना गया है, लेकिन अगर आंसर की चेंज होती है तो ऑल ऑफ द अबव को भी करेक्ट करेंगे, अगर इसको इन जनरल टर्म होलिस्टिक टर्म में कंसिडर करें तो, ठीक है। क्योंकि इंटरफेशियल टेंशन को भी ये डिक्रीज करेगा, सम और दी अदर वे उसका अफेक्ट होगा, एंड केक फॉर्मेशन ऑब्वियसली प्रिवेंट करेगा स्ट्रक्चर व्हीकल, अगर सेडिमेंटेशन प्रिवेंट करेगा तो केक फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं। सो लाइक कनेक्टेड टर्म्स है, तो अगर उनको प्राइमरी पर्पस के लिए अगर उनको ऑप्शन चूज करना है तो वो प्रिवेंट सेडिमेंटेशन को ही करेक्ट मानेंगे, एंड अगर उनको होलिस्टिक टर्म में ऑप्शन को कंसिडर करना है तो डील ऑल ऑफ द अबव को करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो दोनों भी मैंने आपको बता दिया है। देन ऑप्शन इज टू, क्वेश्चन इज 276 विच सेज दैट द कोर्टस्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू कोट टैबलेट्स, डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम, गैस स्टरलाइज पेरेंटल सोल्यूशन एंड ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ कैप्सूल्स। सो जैसे कि आप ये प्रोसेस को देख रहे हैं, ये प्रोसेस कोर्टस्टर नाम में ही सजेस्ट है, इट इज फॉर कोटिंग द टैबलेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज टैबलेट कोटिंग में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज करते हैं। इस एंड बाकी की चीजें अगर आपको नहीं पता चलती है तो आपको जस्ट फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को एक बार गो थ्रू कर देना है। देन आता है रेगुलेटरी से क्वेश्चन बोल सकते हैं या ज्यूरिसप्रूडेंस से बोल सकते हैं। ऑप्शन 277 विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसी द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स इन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आप यूरोपियन यूनियन पढ़ के, ऑप्शन पढ़ के आपको तुरंत ही लगेगा कि वो पर्टिकुलर ऑप्शन है, जैसे कि मैं बताती हूँ। FDA दैट इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, EMA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, SCCS दैट इज साइंटिफिक कमिटी ऑन कंज्यूमर सेफ्टी एंड सीडिस्को दैट इज सेंट्रल ड्रग सेफ्टी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, तो ये जो हमारे इंडियन बॉडी है सीडिस्को, वो तो नहीं आएगा, तो एलिमिनेटेड। FDA US में यूज किया जाता है तो FDA एलिमिनेटेड। आपके पास अभी दो ऑप्शन बचते हैं, EMA और SCCS। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एक ही मिस्टेक की होगी, यूरोपियन यूनियन देख लिया, ईएमई है यूरोपियन आ गया, तो इन्होंने इनको ये टिक किया होगा। बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी। वाई वाई ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के बारे में पूछा है, एंड कॉस्मेटिक को जो वो थ्रू करती है बॉडी, जो ओवरसी करती है बॉडी, वो जो होती है वो ये है साइंटिफिक कमिटी ऑन कंज्यूमर सेफ्टी, ये बॉडी जो है कॉस्मेटिक को देखती है। जबकि यहाँ पे क्लियरली बोला यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, मेडिसिन से रिलेटेड है, नॉट कॉस्मेटिक। सो बी ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट होता है, बट बिकॉज वो घाई वो प्रेशर में, एंड वो इंस्टेंट, वो बोलते हैं ना तुरंत ही, कुछ कुछ लोगों की आदत है देखते ही तुरंत आंसर, बिना कुछ सोचे समझे आंसर कर देते, विदाउट गोइंग थ्रू ऑप्शन, विदाउट लाइक पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना डायरेक्टली आंसर देना। इसकी वजह से ये इजी आता, वो क्वेश्चन भी एलिमिनेट हो सकते हैं। इसी इजी आने वाले क्वेश्चन से यू विल गेट मोर बिहाइंड द रैंक, ठीक है। सो हमको पहले एलिमिनेट करना सीखना है, एलिमिनेट होने के बाद जो दो ऑप्शन बचे उसमें से आपको हाईएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन पे, हाईएस्ट पॉसिबल हाईएस्ट एक्यूरेट ऑप्शन को टिक करके आना है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन नंबर 278 व्हिच सेज दैट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एक्सिपिएंट इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज MCC, लैक्टोज, जेलेटिन एंड मैग्नीशियम स्टीयरेट। हमको पता है कि टेबलेट के फॉर्मुलेशन में हम लोग का जेलेटिन का कोई काम नहीं होता, जेलेटिन हम कैप्सूल्स में यूज करते हैं, तो जेलेटिन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इट इज नॉट यूज्ड इन द टेबलेट फॉर्मुलेशन, वेयर एज MCC, लैक्टोज, मैग्नीशियम स्टेरेट, इन सबको हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक इन द स्किन केयर प्रोडक्ट। अब स्किन केयर प्रोडक्ट में कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स एंड एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक नहीं होगा, एंटीपायरेटिक बुखार ये सारी चीजें जो होती है एंटीपायरेटिक देते, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू स्किन प्रोडक्ट। अगर स्किन प्रोडक्ट में हम देखेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन से होने से बचाते हैं, दैट्स वाई एंटीऑक्सीडेंट्स इज द मेजर कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड एज अ कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक इन द स्किन केयर प्रोडक्ट। एंटीबायोटिक इज नॉट रिलेटेड क्वेश्चन एट ऑल, एंड एंटी हाइपरलिपिडेमिक इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एंटीऑक्सीडेंट। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 280 which डिवाइस इज यूज टू मेजर द मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ द स्किन। मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ द स्किन को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, इट इज सेबूमीटर, इट्स कॉर्नियोमीटर, कलरीमीटर और TEWF मीटर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कॉर्नियोमीटर। कॉर्नियोमीटर से आपको कैसे देखो, पहले कॉर्नियोमीटर पर पहुंचने से पहले आप क्या कर सकते, कलरीमीटर तो कलर को जज करेगा, सो ऑप्शन डी एलिमिनेटेड। सेबोमीटर सीबम, सीबम यानी कि ऑयल से रिलेटेड है, तो सीबोमीटर तो ऑयल ऑयल के लिए ऑयल कंटेंट डिटरमाइन कर सकता है, मॉइस्चर नहीं, सो
सी वो मीटर करेक्ट है। आपके पास अभी ऑप्शन बचता बी और सी, एंड आप 50-50 तक पहुंच जाते हैं, और आप प्रोबेबिलिटी होती या तो राइट होता या तो रॉन्ग होता, क्योंकि हमको टी ई डब्ल्यू एल अगर नहीं पता हो तो विल नॉट टिक दैट। सो कॉर्नियोमीटर इज द करेक्ट आंसर, जो कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द स्किन को है ना डिटरमाइन करता है। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट डज द टी ई डब्ल्यू एल स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्किन मेजरमेंट। यस, उनको पता था कि आपको टी ई डब्ल्यू एल पता नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दिया कि उसका मतलब क्या होता है, ताकि अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाए। ठीक है, सो इसको कहते हैं साइकोलॉजी से खेलना। सो द ऑप्शन आर ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लेवल, टेम्परेचर एंड वाटर लेवल, एंड टॉलरेंस फॉर एक्सटर्नल वाटर लॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वाटर, दैट इज ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। ट्रांस एपिडर्मिस से जो वाटर लॉस होता है, इवापरेटेड होता है, उसको कहा जाता है टी डब्ल्यू एल मीटर। सो ये वाटर लॉस के लिए होता है, तो वाटर लॉस है तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एंड यस, तो हम लोग इनडायरेक्टली पहुंच जाते हैं कॉर्नियोमीटर पे, हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और दोनों के मार्क्स आ जाते हैं। आई होप, देखो इसमें हो सकता था कि आपको नहीं पता हो टी डब्ल्यू एल, बट आप एक लेवल तक 50-50 तक कैसे पहुंच सकते थे, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड लग रहे थे, तो ट्रांस एपिडर्मल एंड टोटल एपिडर्मल, मतलब एपिडर्मल एपिडर्मल दो बार इस्तेमाल किया, या तो फिर ये इसीलिए इस्तेमाल किया होगा ताकि हमको कंफ्यूज कर पाए, या तो इसलिए इस्तेमाल किया होगा ताकि इनमें से ही कोई आंसर हो। तो ये दोनों भी केसेस इसी केस में है, दैट इज इन दोनों में से आंसर होने की प्रोबेबिलिटी थी। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी जस्ट वाटर लेवल तो सब में था, मतलब वाटर से रिलेटेड कुछ तो था, तो इस हिसाब से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाईएस्ट हो जाती थी, और थोड़ा राइट आने का जो प्रोबेबिलिटी था वो भी हाईएस्ट हो जाता था। ठीक है, अगर आप चारों ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को डिटरमाइन करते तो। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 282, विच सेज दैट व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ड्राई स्किन। ड्राई स्किन का प्राइमरी कॉज क्या है? एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन, डिहाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन, अपोजिट स्टेटमेंट्स, एंड दस एक उसका आंसर होने की प्रोबेबिलिटी इज द हाईएस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डिहाइड्रेशन। ये जो प्राइमरी कॉज होता है वो मेजर कॉज होता है ड्राई स्किन का। सीबम प्रोडक्शन होगा तो ड्राई स्किन कैसे होगी? सीबम मतलब ऑयल, ऑयल प्रोडक्शन से ड्राई स्किन बचेगी नहीं। ओवर हाइड्रेशन से हाइड्रेट हो जाएगी, तो ड्राई कैसे होगी? ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 282, विच सेज द डैश प्रमोट एंड एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स जो होते हैं उनका कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रमोट करते हैं? तो इट इज कॉमेडोजेनिक सब्सटेंसेस, नॉन कॉमेडोजेनिक सब्सटेंसेस, केराटोलाइटिक एजेंट्स एंड नन ऑफ द अबव। बोथ ऑफ देम अपोजिट स्टेटमेंट, एंड दैट्स व्हाई उनमें से एक का आंसर होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कॉमेडोजेनिक सब्सटेंस। कॉमेडोजेनिक सब्सटेंस, ये कॉमेडोजेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? दे आर द पोर ब्लॉकिंग सब्सटेंस, पोर ब्लॉकिंग सब्सटेंस। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ये दे एनकरेज द ब्लैक हेड्स फॉर्मेशन। सो कॉमेडोजेनिक सब्सटेंस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्कैल्प? स्कैल्प से एसोसिएटेड कौन सी चीज है? व्रिंकल्स, डैंड्रफ, एक्ने या प्रिकली हीट। सो द करेक्ट आंसर फॉर इज व्रिंकल स्किन का कंडीशन है, एक्ने स्किन का कंडीशन है, प्रिकली हीट घमोरिया स्किन का कंडीशन है, डैंड्रफ या स्काल्प का कंडीशन। हमारा डैंड्रफ जो स्काल्प पे आता है, ठीक है, हेयर के स्काल्प पे डैंड्रफ होता है, ना कि स्किन पे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डैंड्रफ। देन इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 285, विच सेज दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द वॉल एंड द फ्लूइड सिस्टम ऑफ अ मोशन इज कॉल्ड रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्लूइड सिस्टम इन मोशन, दैट्स व्हाई कन्वेक्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको मुझे बताना है कंडक्शन किस तरह से होता है और रेडिएशन किस तरह से होता है, ये दोनों चीज आपको कमेंट करनी है कि दोनों की डेफिनेशंस क्या है, आपको ये दोनों भी टर्म्स ढूंढ के रखने हैं। ठीक है, एंड कन्वेक्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। देन उसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर 286, व्हिच सेज दैट व्हिच डिवाइस मेजर स्किन कलर फॉर द कॉस्मेटिक इवैल्यूएशन। एग्जामिनर को ज्यादा क्वेश्चन मिल नहीं रहे होंगे, इसलिए वो इस तरह से ही रिलेटेड क्वेश्चन डाल रहा है। देखो, एंड इसी रिलेटेड क्वेश्चन डालने का एक एडवांटेज भी ये होता है कि अगर आपको एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो बाकी के क्वेश्चन आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो बाकी के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। इस तरह से ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बेस्ड ऑन योर नॉलेज डिफर करता है। सो ऑप्शन क्वेश्चन 286 से सेबूमीटर, कॉर्नियोमीटर, कलरीमीटर एंड टोटल ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस मीटर। सो द करेक्ट आंसर मैंने बोला था कलर्स के लिए, इट इज कलरीमीटर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देन आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस है,
द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक अडल्ट्रेटेड और स्प्यूरियस ड्रग। पहले तो बताओ कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या स्प्यूरियस एंड अडल्ट्रेटेड ड्रग को एनकरेज करेगा या फिर प्रोहिबिट बोला? तो हम लोग स्टेटमेंट को उल्टा करके भी खुद से पूछ सकते हैं, क्या वो अगर प्रोहिबिट नहीं करता तो क्या वो एनकरेज करेगा ऐसे ड्रग को जो अडल्ट्रेटेड हो, स्पीडियस हो? नो, नेवर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है इस काइंड ऑफ अडल्ट्रेटेड एंड स्पीरियस ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स अभी हैबिट बना रहे तो वो मिस यूज कर रहे, दैट इज नॉट द केस, क्योंकि वो ड्रग का कोई इस्तेमाल है, उसको यूज किया जा रहा है किसी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। वो अभी मिस यूज हो रहा है, दैट इज वो मिस यूज प्रिवेंट नहीं कर प्रिवेंट कर सकते बाय उनको प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि शेड्यूल एक्स में डाल के, एक्स में डालने के वजह से हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स करके हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते, बट दे आर नॉट प्रोहिबिटेड एज सच, दे आर कैटेगराइज, दे आर क्लासिफाइड बिकॉज वो मिस यूज कम हो सके, ठीक है। एंड मेडिकल डिवाइसेस कॉस्मेटिक, तो हम लोग इसको प्रमोट करेंगे वाई टू प्रोहिबिटेड। सो अडल्ट्रेटेड एंड स्पीरियस ड्रग जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल को। देन आता है क्वेश्चन नंबर 288 व्हिच सेज दैट द डैश ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 1945 ऑफ द इंडियन कंटेंट ऑफ इंडियन कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग्स मे नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। शेड्यूल से क्वेश्चन है, शेड्यूल्स करके जाओ, वेरी इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो शेड्यूल जे, शेड्यूल के, शेड्यूल एल एंड शेड्यूल पी इज द ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज शेड्यूल जे। जे जो होता है जानलेवा, मैंने शेड्यूल्स में मैंने ट्रिक लगाई है, शेड्यूल्स की वीडियो अब तक रिलीज नहीं हुई है यूट्यूब पे, पर जब वीडियो रिलीज हो जाएगी आप देख सकते हैं मैंने शेड्यूल्स का जे से किस तरह से याद रखवाया था, जानलेवा डिजीज, ठीक है, जानलेवा डिजीज जो कि प्रिवेंट क्योर नहीं हो सकते, इस तरह से आपको ये जे को याद रखना था। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन के, ऑप्शन एल, एल तो अभी ये जो है वो रिपीट हो चुका है, ऑप्शन बी और ऑप्शन के आप देख लेना, सॉरी शेड्यूल के और शेड्यूल पी आपको देखने का काम है, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 289 व्हिच सेज दैट इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ अ फॉर्मुलेशन इज शोन एज अगस्त 2024, इट मींस दैट द प्रिपरेशन कैन बी यूज्ड अप टू 1st of August 2024, 15th of August 2024, 30th of August 2024 एंड 31st of August 2024। सो इसमें आपको आपका दिमाग वापरना था कि ये अगस्त जो मंथ है वो 30 डेज का है या 31st देखा है, तो इनडायरेक्टली आपने यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको इन जनरल टर्म्स भी पूछ लिया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 31 डेज होते हैं, दैट्स व्हाई 31st इज द करेक्ट आंसर। 31st of August 2024 तक ये पर्टिकुलर प्रिपरेशन को यूज कर सकते हैं। 30 अगस्त वो लोग टिक करेंगे जिनको पता भी नहीं है कि कितने डेज होते हैं एक पर्टिकुलर मंथ में, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, 290 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985 एंड रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज कोका डेरिवेटिव, किसी को कौन से इस चीज को कोका डेरिवेटिव नॉट कंसिडर किया जाएगा। मैंने एक चीज नोटिस की इस पेपर में कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी टर्म से पूछे गए, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, इन्हीं चीजों पे पूछा गया। ये चीज है ना बेसिकली हमारे दिमाग को इतना मतलब प्रेशराइज करती है कि हमको इस पेशन में आके काम करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये बात याद रखो, जब भी नॉट है ये आपको एक तरह से इन्फ्लुएंस करेगी, कंफ्यूज करेगी इस चीज को, क्योंकि आपको नॉट करेक्ट वो टर्म्स के मीनिंग्स में ही आपको इस तरह से उलझा दिया जाएगा कि आप वो करेक्ट चीज को पता होने के बाद भी रॉन्ग टिक करके आओगे। मेजर केसेस में होता है, इन्होंने वही केस को, वही साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से पेपर बनाए हैं, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट एंड ऑल, ठीक है। सो द ऑप्शन आर द क्रूड कोकेन, दैट इज एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीव्स विच कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोकेन, इगोनिन एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव ऑफ इगोनिन फ्रॉम विच इट कैन बी रिकवर्ड, कोकेन दैट इज मिथाइल ईस्टर ऑफ बेंजाइल इगोनिन एंड इट्स सॉल्ट एंड ऑल प्रिपरेशन कंटेनिंग लेस देन 0.1% ऑफ कोकेन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आपने डेफिनेशन सब की होगी एनडीबीएस एक्ट की, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, बिकॉज नॉट मोर देन 0.2% जिसमें है उसको कोका डेरिवेटिव कंसिडर नहीं किया जाता, मतलब 0.2% के ज्यादा ही जब कोकेन प्रेजेंट हो तब उसको कोका डेरिवेटिव कंसिडर करते हैं, तो 0.2 के जो भी नीचे होगा दैट इज नॉट अ कोका डेरिवेटिव, ठीक है, याद रखना 0.2 के जो भी नीचे होगा दैट इज नॉट अ कोका डेरिवेटिव, ठीक है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो बोला गया है
यहाँ पे जो बोला गया इधर बोला गया लेस देन 0.1%। अरे लेस देन 0.2% भी होता है दैट इज नॉट कंसिडर एज कोका डेरिवेटिव। 0.2% से जो भी ज्यादा होगा दैट इज कोका डेरिवेटिव, बाकी सब जो है दे आर दी टाइप ऑफ कोका डेरिवेटिव। देन आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 291 विच सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी टू मॉनिटर द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, आइडेंटिफाई शॉर्टेजेस इफ एनी एंड टू टेक रेमेडियल स्टेप्स टू रेंडर असिस्टेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंटरी मैटर रिलेटिंग टू ड्रग प्राइजिंग, टू कलेक्ट मेंटेन डेटा ऑन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मार्केट शेयर ऑफ द इंडिविजुअल कंपनीज, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज फॉर बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन, एंड डी इज टू रेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन चेंजेस और रिविजन इन द पेटेंट एक्ट। पहले तो ये बताओ कि ये फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग से रिलेटेड है, ठीक है, उसका नॉट फंक्शन, मतलब इनमें से कोई फंक्शन जो है उसका फंक्शन नहीं है। तो मुझे ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। क्या पेटेंट से रिलेटेड उसका कैसे फंक्शन होगा, ये पेटेंट एक्ट का फंक्शन होगा, फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग का और पेटेंट का क्या ही लेना देना, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज नॉट द फंक्शन ऑफ, ऑप्शन डी इज नॉट द फंक्शन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। बाकी के तीनों दैट इज टू मॉनिटर द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इज द फंक्शन, टू प्राइसिंग से रिलेटेड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना, असिस्टेंट देना दैट इज द फंक्शन, टू मेंटेन द डाटा दैट इज द फंक्शन, बट द डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। देन इज क्वेश्चन नंबर 292 विच सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट ऑफ 1960। अगेन जुरिसप्रूडेंस से क्वेश्चन है एंड आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिए, उसमें से कोई भी एक डेफिनेशन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। कैप्टिव एनिमल्स मीन्स एनी एनिमल विच इज इन कैप्टिविटी और कन्फाइनमेंट वेदर परमानेंट और टेम्पररी। हुका और डूमदेव इंक्लूड्स एनी प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एयर और एनी सब्सटेंस इनटू द फीमेल ऑर्गन ऑफ मिल्च एनिमल। देन ओनर यूज्ड विद रेफरेंस टू एनिमल्स इंक्लूड नॉट ओनली द ओनर बट ऑल्सो एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बींग इन पोजेशन ऑफ और कस्टडी ऑफ द एनिमल वेदर विथ और विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर एंड इज नन ऑफ द अबव। सो अकॉर्डिंग टू आंसर की दे हैव गिवन ऑप्शन ए एज इनकरेक्ट, बट ये तीनों भी जो है वो डेफिनेशन दे आर द करेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बट ऑल थ्री ऑफ देम इज करेक्ट, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट एज पर माई रिसर्च, एंड ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट, बट आंसर की बोला ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। हाउ कम दे ओनली नो, सो ये आंसर की में प्रोविजनल आंसर की में गड़बड़ हो सकती है, तो ऑप्शन डी इज नन ऑफ दो बिकॉज तीनों भी जो डेफिनेशन दी गई है वो तीनों भी करेक्ट है, ठीक है। एंड इसी वजह से मैं कहती हूँ ना कि ये जो नॉट करेक्ट टाइप्स ऑफ पूछते हैं ना ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते, नॉट करेक्ट नन ऑफ द अबव, आपके ब्रेन को कुछ समय लगेगा इसको सॉल्व करने में, इसको सॉर्ट आउट करने में, और वही समय जो है इस एग्जाम में बहुत कीमती था बिकॉज हमको पता है 300 क्वेश्चन थे अकॉर्डिंग फार्मा भी और नॉन फार्मा भी मिला के 300 क्वेश्चन, और 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत टाइम का किल्लत था। तो इसी टाइम फैक्टर के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगा। टाइम फैक्टर के अलावा इनके जो डेप्थ में जिस तरह से नॉन फार्मा को पूछा गया पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री उस बेसिस पे ये डिसाइड होगा। देन आयुर्वेदा के जैसे क्वेश्चन थे उस बेसिस पे डिसाइड होगा, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, एंड कंप्लीशन ऑफ द पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 293 विच सेज दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, नॉमिनेटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इट इज इलेक्टेड इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल। जो फार्मेसी काउंसिल के मेंबर है वो ही आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको हम वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 294 विच सेज दैट स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू पर्सन रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड अंडर जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 वॉज इंसर्टेड इन फार्मेसी एक्ट 1948 इन द ईयर ऑफ 2019, 2021, 2023 एंड नन ऑफ दी अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है 2023 इज द करेक्ट आंसर, करंट बेसिस पे है। जो स्पेशल प्रोविजन था जो जम्मू एंड कश्मीर का जैसे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है, एंड ये सारी चीजें जो है अभी उसके सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई ये जो इंसर्ट किया गया था फार्मेसी एक्ट में कब 2023 में इंसर्ट किया गया है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 295 द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट ऑफ 1954 प्राइमरीली फोकस ऑन रेगुलेटिंग इंपोर्ट ऑफ ड्रग, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द ड्रग। एंड यस वी नो दैट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये जो पर्टिकुलर एक्ट होता है वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड होता है, वो प्रोहिबिट करता है सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट जो कि बोलते हैं ना इन इन्फॉर्म्ड या
आप जब ये एक्ट देखोगे तो आपको पता है कौन से टाइप के एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट करते हैं। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट इज प्रोहिबिटेड। सो ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड पर्टिकुलर एक्ट है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन आता है क्वेश्चन नंबर 296। द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स प्राइमरीली गाइड फार्मासिस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एथिक्स, क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन। जो कोड होता है एथिक्स का कोड जो होता है वो हमको एज अ प्रोफेशनल कंडक्ट, हमारा किस तरह से हमें कंडक्ट करना है, हम किस तरह से प्रोफेशनली बिहेव कर सकते हैं, हमारे प्रोफेशनल वैल्यूज, हमारी ड्यूटीज, जो भी चीजें हैं वो फार्मास्यूटिकल एथिक्स के हिसाब से होता है। तो दैट्स व्हाई प्रोफेशनल कंडक्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन आता है क्वेश्चन नंबर 297 विच सेज दैट द टर्म ऑफ पेटेंट इज वैलिड फॉर दी पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम दी। जो 20 ईयर्स का टर्म है वो कब से वैलिड होता है? डेट ऑफ अप्रूवल, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब हम लोग ऑप्शन फाइल कर देते हैं एप्लीकेशन, उसी टाइम से उसी वक्त से जो है हमारा जो 20 ईयर्स का वैलिडिटी है वो चीज स्टार्ट हो जाता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 298। लास्ट के 3 क्वेश्चन है। 298 सेज दैट द इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 शैल बी सप्लाइड विद इन डैश इफ द इन्फॉर्मेशन सॉट टू कंसर्न द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। प्लीज ध्यान में रखिए 2005 के बारे में पूछा। इसका जो अमेंडेड बिल भी आ सकता है जब तक आप नेक्स्ट एग्जाम दो, तो अमेंडेड बिल को भी एक बार देखना जरूरी है, अमेंडेड एक्ट को, सॉरी नॉट बिल, क्योंकि बिल एज सच बिल जो होते हैं ना दे आर टेम्पररी, इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, और जब वो एक्ट बन जाता है ना वो फाइनल फाइनल अप्रूवल होता है। तो हमको बिल को ज्यादा ध्यान में नहीं रखना क्योंकि बिल बहुत रेयरली पूछा जाता है, एक्ट को बहुत मोस्टली पूछा जाता है क्योंकि एक्ट एक बार फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो एक्ट जो भी आता है ना इसके आगे के तो उसको करना जरूरी है। इसके जो ऑप्शन है 24, 36, 48 एंड नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 48 आवर्स। अगर किसी के लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है तो वो 48 आवर्स में देने का प्रोविजन है अकॉर्डिंग टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, इसका बिल आया था 2019 में, वो अब तक एक्ट बना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 299 सेज दैट द रूल ऑफ 29A, द रूल 29A ऑफ पेटेंट अमेंडमेंट रूल ऑफ 2024, अगेन लेटेस्ट पूछा गया, इज अबाउट ग्रेस पीरियड, सर्टिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरशिप, पावर टू एक्सटेंड टाइम स्पेसिफाइड और कंडोन डिले एंड नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ये ग्रेस पीरियड का टाइम होता है अकॉर्डिंग टू रूल 29A ऑफ पेटेंट, इट इज अ ग्रेस पीरियड विच इज गिवन। ठीक है, एंड अगेन देखो जिस तरह से ये लोग ने लेटेस्ट अमेंडमेंट पूछा है इन फार्मा पोर्शन एज वेल, नॉन फार्मा में पूछ लेते तो वी कैन कंसिडर कि करंट अफेयर से रिलेटेड, बट इन्होंने फार्मा पोर्शन में इसको पूछा गया है अमेंडेड प्रोसेस, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये टफनेस बढ़ सकता था। ठीक है, देन द लास्ट वन इज द लास्ट क्वेश्चन सेज दैट द सीड्स ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स आर यूज इन मेडिसिन एक्सेप्ट सीड्स। सीड्स बोला है, नक्सवामिका, डिजिटालिस, ट्रोपैंथस एंड इसाबगुल। सो आपको पता है कि जो डिजिटलिस है हम लोग उसका लीव्स यूज करते हैं, रादर देन सीड्स वी यूज द लीव्स ऑफ डिजिटलिस, एंड बाकी के नक्स वर्मिका स्ट्रोफेंथस आपको इसके हम लोग सीड्स यूज करते हैं। ठीक है, सो हियर वी फिनिशेस अबाउट द फार्मा पोर्शन। 300 क्वेश्चन डन, 300 क्वेश्चन नॉट डन, 200 फार्मा के क्वेश्चन टोटली हो गए हैं इन 5 पार्ट में। नॉन फार्मा का कुछ आई थिंक 40 क्वेश्चन बचे, क्योंकि 50 क्वेश्चन होने चाहिए थे बट 40 इसलिए क्योंकि उसमें 10 जो है वो गुजराती इसमें है, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट क्वेश्चन। तो बचे हुए 40 क्वेश्चन जो है वो आपको पार्ट 6 में मिल जाएगा, टोटल नॉन फार्मा पार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर से उसको देख लीजिएगा। उसमें क्वांट्स भी है, उसमें करंट अफेयर पार्ट्स भी है, एंड ऑल दो स्टफ विल डिस्कस, ग्रामेटिकल ग्रामर्स भी है, सो हम सब डिस्कस कर लेंगे नॉन फार्मा पार्ट का। एंड लास्ट वीडियो जो होगी वो पार्ट 6 होगी, आप देख लेना। इसके अलावा कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट मैं देखती हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट को मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। पहले उस कमेंट को मैं वहां पे आंसर ना करूँ कमेंट सेशन में जाके, सेक्शन में जाके, बट नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ की जरूरत हो आपके प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, तो आई वुड अगेन सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस ऐप, जीडीसी ऐप, आपके बहुत हद तक हेल्प करेगा ये जीडीसी पर्टिकुलर ऐप। किस तरह से जाना है वापस से बता देती हूँ, अगर आपको यहाँ से स्कैन करना हो तो यहाँ से स्कैन करके आप वो इंटरफेस तक पहुंच जाओगे। अगर आपको ये यहाँ से भी नहीं मिलता तो आपको जाके क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक देखनी है इसी वीडियो की, वहां पे उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड यू विल गेट थ्रू दैट पर्टिकुलर ऐप पे पहुंच जाओगे। एंड देन आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको जीटीसी क्लासेस डालना है, यू विल गेट दिस ऐप। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री चीजें मिलती है, तो टेक द बेनिफिट ऑफ दोस चीजें एंड देखिए कि आप कहाँ लाई करते हैं कॉम्पिटिशन में, कितने लोग आपके आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे फ्री फ्री
टेस्ट स्टार्ट किए हैं, ठीक है। वो फ्री टेस्ट स्टार्ट की फ्री टेस्ट के बैच में आने के लिए यू विल अगेन गेट डिफरेंट वीडियोस ऑन दिस चैनल जो कि रिसेंटली पोस्टेड है, आप वो जाके देखिए। आपको वहां से पता चलेगा कि आपको बैचेस में ऐड होना है तो आप किस तरह से ऐड हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कोड डालने पड़ते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। एंड यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड इनटू दैट बैच, सो टेक बेनिफिट ऑफ दोस थिंग, स्टडी वेल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टे ट्यून्ड टू जीडीसी क्लासेस। अंटिल देन विल मीट फॉर पार्ट 6। थैंक यू सो मच।